वेलकम टू द स्टडी जोन। काफ़ी दिनों के बाद मैं लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई बिजी शेड्यूल, बट डोंट वरी, मैं यहाँ पर सारे लेक्चर्स कवर कर लूँगा बिफोर द एग्जामिनेशन। लास्ट सेमेस्टर में कुछ मैंने एसक्यूएल ही कवर किया था, एक्सेल के लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आई, मैं नहीं कर पाया था, बट इस सेमेस्टर में मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करूँगा। सो कीप वॉचिंग। और आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं सेमिस्टर 6। आपको सेम 6 में कौन से 3 टॉपिक्स हैं मैं वो बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 जो टॉपिक है आपको है एडवांस एक्सेल। नंबर 2 जो टॉपिक है आपको ई कॉमर्स। नंबर 3 विजुअल बेसिक, दैट इज VB। और मैंने इसको एज पर द अकॉर्डिंग टू द मार्क्स लिखा है, जैसे आपको एग्जाम में जो जितने मार्क्स के लिए आएगा वो हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखा है। सी एडवांस एक्सेल यहाँ पर आपको आने वाला है 32 मार्क्स के लिए, ई कॉमर्स आपको आएगा 25 मार्क्स के लिए, एंड ये आएगा आपको 18 मार्क्स के लिए। ऑल टुगेदर सब 75 मार्क्स हो जाएंगे, यानी कि लास्ट सेमेस्टर में हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था MySQL, और इस सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 32 मार्क्स के लिए एडवांस एक्सेल। और लास्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने कुछ एक्सेल सीखा होगा, बट डोंट वरी, मैं बेसिक से जाऊंगा ताकि आप एक्सेल का कोई भी क्वेश्चन मिस ना कर पाएं और सारे क्वेश्चंस को लिख सकें। ई कॉमर्स आप लोगों को पता है व्हाट इज़ कॉमर्स, बिकॉज आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए व्हाट इज़ कॉमर्स। ई कॉमर्स जो है वो ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, एंड यहाँ पर हम लोग सीखेंगे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वाय मीडियम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स। और उसके बाद है विजुअल बेसिस, ये आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा आपको पहली बार आपने सुना होगा एज अ नॉन टेक्निकल स्टूडेंट, आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, लेकिन डोंट वरी, कीप वॉचिंग। मैं इस वाले टॉपिक को बहुत ही ईजी बना दूंगा, जो आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हो। सो आज तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा बिकॉज थोड़ा मुझे शेड्यूल टाइट है, बट डोंट वरी, अब से आपको वीक में 3 लेक्चर्स या 2 लेक्चर्स मिनिमम, या 3 लेक्चर या 4 लेक्चर मैक्सिमम मिलते रहेंगे। एंड काइंडली डोंट फॉरगेट द स्टडी जोन, उसको आप लोग लाइक कीजिए, लेक्चर्स अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पसंद आए तो शेयर कीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन डिसलाइक क्यों कर रहे हैं उसकी वजह बताइए ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।